रामजीत सिंह, आप देख रहे हैं एकेबी न्यूज। आज की बड़ी खबर, मैं सरोज सिंह, ब्यूरो चीफ लखनऊ। ठीक है, मैं माननीय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अपनी सरकार के बारे में क्या आप 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री इसलिए बनेंगे, जनता इसलिए वोट देगी कि वो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया। चाहे आप डाय ले लीजिए, वो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, हर मोड़ पर सुरक्षा मिलती है। लेकिन आज योगी सरकार नहीं चला पाती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिया है, 108 समाजवादी 108 एम्बुलेंस थी, 102 एम्बुलेंस दी है, महिलाओं के लिए 90 जगह काम किया है, महिला अस्पताल दिए हैं, वोट दिए हैं और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस दी है और व्यापारियों के लिए सबसे अहम काम राष्ट्रीय के लिए। पूरे प्रदेश का व्यापारी समाजवादी पार्टी के पास है। जो व्यापारियों को 3/7 लगती थी वो कानून खत्म करने का काम किया। पहले व्यापारी पकड़कर 3/7 में जेल भेजा जा रहा था, नहीं उसमें संशोधन किया, कोई व्यापारी जेल नहीं जा सकता है। और वादा किया है समाजवादी सरकार बनने पर व्यापारी के लिए कानून गठन करेंगे जिससे व्यापारियों को बहुत से लाभ मिलेंगे, शिक्षा भी होगी। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता परेशान हो चुकी है, उब चुकी है। 2022 में इसका जवाब जरूर देगी और समाजवादी सरकार देगी। अब किन बार जो है अखिलेश जी ने जो भी इतना संघर्ष किया लोगों के साथ, अब किन सरकार कार्यकर्ता जाएगा क्षेत्र में उनकी नीतियों का, फिर वहाँ से बॉर्डर वही होगा 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 में लैपटॉप देने का काम किया। उस समय रोड लाइन खत्म होती वहीं पे, वहाँ से सिंगल रोड है। पार्टी का विकास किसी से नहीं छुपा, हर आदमी जानता है। रोड किनारे लेकिन ये बीजेपी के लोग सीधे इसी फोर लाइन बना के कटना नहीं है, सीधे चलना सीधे बिल्कुल रोड के सरकार बनाने का काम करते हैं। रोड क्षेत्र में जाएंगे, जनता जवाब देगी। 2022 में मांगी जो लोग कहना है, जो भी इस समय हो रहा है अत्याचार योगी के सरकार में, तो क्या अत्याचार हो रहा है या लोग कह रहे हैं? सर किसी से नहीं छुपा है, तो चाहे बेटियां हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, हर कोई जानता है किसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। किसी से नहीं छुपा, आप लोग भी मीडिया के साथ ही आप लोग भी जानते हैं कितना अत्याचार हो रहा है प्रदेश में। अत्याचार की पराकाष्ठा खत्म हो गई है, कितना अत्याचार हो रहा है। जी हमारे ये बताइए, मैं नौकरी दे रहा हूँ और या अपने किसान के लिए हम लोकेशन देते रहेंगे। ठीक है, दाएं बाएं हो जाना, बता देंगे थोड़ा। नहीं, देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने भी कानून बने हैं, चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, ये सब आम जनजीवन के विरुद्ध है। और हमारी पार्टी जो है वो सदैव किसानों, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों सब लड़ाई लड़ रही है और सड़क पर उतर रही है। हमारे कार्यक्रमों को ये पार्टी भाजपा सरकार होने नहीं देना चाहती है। यही हरदोई की बात है, धारा 44 लागू कर दी गई ताकि हम लोग ज्यादा ज्यादा ना इकट्ठा किए जाएं। हमारे साइकिल लोग लेके आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, इस तरीके की हरकतें की जा रही है। इसमें कहना है कि पेट्रोल के दाम जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या डीजल हो, या पेट्रोल हो, या गैस है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमें ये कहना है कि सरकार ने अपना नियंत्रण ही खत्म कर दिया। आपने प्रश्न किया, जब नियंत्रण किसी चीज का खत्म हो जाएगा तो अब तो चाहे जिस हिसाब से आदमी को बेचे व्यापारी, उसमें बात यह है कि जो इनका डीजल पेट्रोल महंगाई हुई है उसमें अडानी अंबानी ऐसे लोग ही मजबूत हो रहे हैं और हमारे आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लोगों का कहना है कि GST के बारे में पेट्रोल या डीजल पे GST लगा दी जाए, तो लोगों का कहना 36 रुपए में डीजल पेट्रोल और 25 रुपए में
डीजल बिकेगा। आप लोगों के ही माध्यम से मैं सुनता हूँ, मीडिया के माध्यम से सुनता हूँ कि चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश हो, इन सब देशों में हमारे यहाँ से सस्ता डीजल पेट्रोल। मतलब ऐसे ही ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।